उत्तराखंड के प्रसिद्ध जाने माने अभिनेता संजय सुदृढ़ी मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं और एक ऐसा चेहरा आज की डेट में बन चुके हैं जिनको हर कोई याद करता है, हर कोई इनके अभिनय को पसंद करता है, फिर चाहे गीत संगीत की बात हो या फिल्मों की बात हो, हर अभिनय में ये जचते हैं और हर कोई इन्हें पसंद करके अपने दिलों में रख लेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, संवाद चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कई सारी फिल्में आपने की, कई सारे गीत संगीत आपने की, एक नया प्लेटफॉर्म अब मिलने जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म जिसका आज रिलीजिंग यहाँ पे हुई है अम्बे सिने नाम से, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है क्योंकि मैं एक ऐसा कलाकार रहा हूँ जिसने CD कैसेट से अपना करियर स्टार्ट किया एंड उसके बाद हम लोग यूट्यूब पे आए, उसके बाद हम लोग अब OTT पे आने वाले हैं और मेरे लिए खुशी की बात सबसे ज़्यादा ये है कि OTT प्लेटफॉर्म पर अम्बे सिने ऐप पर मेरी सबसे पहली वेब सीरीज़ मेरी ही लॉन्च हो रही है। ये मेरा फॉर्च्यून है, मेरा भाग्य है और अनु जोशी जी इसके डायरेक्टर हैं। मैं हर्षपाल चौधरी जी का और बीना चौधरी जी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने इस काम को जो है अंजाम दिया, प्रोड्यूस किया। और देखिए प्रोड्यूसर्स जब तक नहीं होंगे काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टर्स जब तक नहीं होंगे काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि OTT आया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जहाँ सिनेमा हॉल्स में फिल्म लगाने के लिए उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है और कभी नहीं लगा पाते हैं, या सिनेमा हॉल्स वाले बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए। OTT प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा जहाँ पर हम घर बैठे भी उस फिल्म को देख पाएंगे और अच्छे से देख पाएंगे। मुझे लगता है ये इससे हमारी रीच और ज़्यादा बढ़ेगी और हमारी जो डायलेक्ट है, हमारी जो बोली है, उसको और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम अभी का समय देखें तो सोशल मीडिया का ज़माना है और जिस तरीके से 2-3 साल से कोविड के कारण भी फिल्म इंडस्ट्री जो थी विराम लग गई थी, थिएटर्स बंद थे और हम देख रहे हैं कई समय से गढ़वाली इंडस्ट्री में वो काम नहीं हो पा रहा है जो एक समय में हुआ करता था। आप तो अच्छी खासी से वाकिफ है ना, तो OTT प्लेटफॉर्म आज रिलीज होता है, क्या लगता है बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, 100% आएगा और मेकर्स को बस ये है कि OTT प्लेटफॉर्म तो रिलीज़ हो गया है, लॉन्च हो गया है, ऐप आ चुकी है। अब मेकर्स को ये चाहिए कि वो अच्छा कंटेंट बनाएं, अच्छी फिल्म बनाएं, अच्छी शॉर्ट फिल्म बनाएं, अच्छी वेब सीरीज़ बनाएं और कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल हो, लोग उसको देख पाएं। और जहाँ लोगों ने एक बार प्लेटफॉर्म पे आना शुरू कर दिया और कंटेंट उनको समझ आने लग गए तो समझ लीजिए कि हमारी जो उत्तराखंड इंडस्ट्री और हमारी जो डायलेक्ट है, जो हमारी कल्चर है, हम उसको आगे बढ़ाने में बहुत जल्दी हम लोग सक्षम हो जाएंगे, जो कि हम 20-22 साल में अभी तक उतने नहीं हो पाए हैं क्योंकि सिनेमा हॉल्स में बहुत दिक्कतें आती हैं फिल्म्स लगाने में। मैं समझता हूँ OTT आने से हम लोग बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी OTT का ही ज़माना है, जिस तरीके से अगर हम बॉलीवुड की फिल्में देखें, साउथ की फिल्में देखें, इनफैक्ट हॉलीवुड की फिल्में देखें, OTT में ही रिलीज़ हो रही है ना, तो ये बदलाव सकारात्मक रूप से है? बिल्कुल सकारात्मक है क्योंकि घर बैठे बैठे आप अपने एक सब्सक्रिप्शन पे, एक साल भर के सब्सक्रिप्शन पे आप अपनी फैमिली के साथ फिल्म भी देख सकते हैं। आपके आप सिनेमा हॉल्स में जाते हैं तो एक साथ 4-5 लोग जाते हैं तो आपको बहुत सारा टिकट्स भी लेने होंगे, आपको आपके एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे और हर अगर हम एस्टिमेट देखेंगे तो आप लगा लीजिए कि हमारा जो इस ऐप का अम्बे सिने ऐप का मेरे ख्याल से जितना मुझे नॉलेज है अभी तक शायद 499 सब्सक्रिप्शन है एक साल का, शायद अभी तक मुझे पूरा नॉलेज नहीं, लेकिन अगर फिर भी है 499 तो मैं समझता हूँ 500 रुपये PVR में आप फिल्म देखने जाएंगे तो 2 लोगों में 500 रुपये की टिकट आ जाती है। इसमें क्या होगा, आप साल भर में लगातार पता नहीं कितनी ही फिल्म्स देख सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि अब हमें ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। आपके लिए काफ़ी सौभाग्य की बात है क्योंकि जब ये रिलीज़ हो रहा है पहली बार उत्तराखंड में तो आपकी ही वेब सीरीज़ में रिलीज़ की जा रही है, उस वेब सीरीज़ का क्या नाम है, आपका क्या अभिनय, थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ताकि दर्शक ज़रूर देखें। बिल्कुल, देखिए मैं अपने फैंस को हमेशा से बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आज संजू सिलोड़ी कुछ भी बन पाया तो आप लोगों की बदौलत ही बन पाया है, आपको तहे दिल से प्रणाम करता हूँ अपने फैंस को। और ये बताना चाहता हूँ कि वाह नौनी जो वेब सीरीज़ है ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, कहीं कहीं पर लव एंगल भी है। एक लड़का है जो कि जूनियर साइंटिस्ट है और अपनी रिसर्च में लगा हुआ है, लेकिन अचानक एक लड़की उसको मिलती है एंड अचानक ही मिलती है और अचानक ही गायब हो जाती है। ये सारी जो जर्नी है ये उसी के ऊपर है कि कैसे वो उस लड़की को ढूंढने के लिए निकलता है, अपने किसी काम के लिए निकला होता है लेकिन अचानक उस लड़की पर उसका फोकस चला जाता है एंड पूरी वेब सीरीज़ में यही दिखाया जाता है। एंड फाइनली जब आप इस वेब सीरीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में उत्तराखंड में एक बड़ा ही तरीके से सस्पेंस को दिखाया गया है और बड़ा ही एक इमोशनल टच दिया गया है कि कैसे कोई लड़की किसी लड़के से प्यार कर सकती है। तो वन ओनी में मेरा जो करेक्टर है बहुत ही संजीदा करेक्टर है, आपने हमेशा मेरा चुलबुला रोल देखा होगा, इस बार आपको एक सेंसिटिव इमोशनल गंभीर लड़का देखने को मिलेगा संजू सिलोड़ी के रूप में। आई होप आपको वन ओनी वेब सीरीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं पहला प्लेटफॉर्म है और आपकी पहली जो वेब सीरीज इसमें रिलीज हो रही है वो बिल्कुल दर्शकों के दिल में भाई। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो संजय सिरोही जी से हमने बात की और नया जो OTT प्लेटफॉर्म उत्तराखंड में रिलीज हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि अम्बे सिने ऐप को आप ज़रूर डाउनलोड करेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि अपनी संस्कृति का ये एक ऐप है और जिसमें आपको तमाम फिल्में उत्तराखंड से जुड़ी हुई देखने को मिलेंगी और बहुत सस्ता ये टिकाऊ है क्योंकि अगर आप थिएटर जाते हैं तो आपको 200 से 300 रुपये देने पड़ते हैं एक सही से मूवी देखने में, लेकिन यहाँ आपको साल भर में आराम से बहुत कम दाम में कई मूवियाँ देखने को मिलेंगी। तो आप ज़रूर अम्बे सिने ऐप को डाउनलोड कीजिए और तमाम उत्तराखंड के कल्चर से जुड़ी सभी फिल्मों को देखिए। मैं रेणु प्रदीप, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ संवाद 365 देहरादून।